दोस्तों, अब हमारे ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमरिस की ओजी ब्लडलाइन रियूनाइट होने में अब कुछ दिन ही बचे हैं। हां दोस्तों, हमारे रोमरिस के ओजी ब्लडलाइन में तो उसो के अलावा और कौन-कौन से नए मेंबर्स होने वाले हैं, क्या सच में दोस्तों हमारे रोमरिस के ओजी ब्लडलाइन में एक जायंट सुपरस्टार ऐड होने वाला है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि रोमरिस के ओजी ब्लडलाइन में आखिर कौन से मेंबर होने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि हम सभी को बात पता है कि रोमरिस की ओजी ब्लडलाइन अब कुछ दिनों के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में बिल्डअप होना स्टार्ट होगी। जैसे कि दोस्तों हम सभी को पता है कि रोमरिस की ओजी ब्लडलाइन में जे जिमी और सैमी जेन और इसके अलावा पॉल हेमन भी होने वाले हैं। हमारे दोस्तों रोमरिस की ओजी ब्लडलाइन में इतने मेंबर्स तो होना लगभग कंफर्म ही है। इनके अलावा दोस्तों हमारे रोमरिस की ओजी ब्लडलाइन में और कौन से नए मेंबर्स ऐड होने वाले हैं, क्योंकि सोलो सिको के फिक्स सस्ते ब्लडलाइन की पूरी तरह से वाट लगा डालने वाले हैं। दोस्तों नए मेंबर्स के नाम बताने से पहले आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अगर हमारे पीपल चैंप रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आए तो क्या सच में ब्लडलाइन के स्टोरी लाइन में ऐड होंगे, या फिर दोस्तों जिस तरह हमारे पीपल चैंप रॉक ने रेसलमेनिया 39 के बाद मंडे नाइट रॉ में कोड रोड्स को यह कहा था कि मैं फिर एक बार रिटर्न आऊंगा और तुम्हें चैलेंज करूंगा। दोस्तों इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूं कि हमारे पीपल चैंप रॉक रिटर्न आने के बाद ब्लडलाइन में ऐड होने वाले हैं या फिर कोड रोड्स के पीछे जाने वाले हैं। अब चलिए दोस्तों ये बात जरा बाजू में रखते हैं, अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं रोमरिस के ओजी ब्लडलाइन में आखिर कौन से वो दो नए मेंबर होने वाले हैं। अब दोस्तों सबसे पहले तो रूमर्स के अकॉर्डिंग रोमरिस के ओजी ब्लडलाइन में ऐड होने के लिए जिला फाटो काफी रूमर्ड है, क्योंकि दोस्तों सोलो सिको के ब्लडलाइन में जॉको फोटो जैसा खोकर आदमी है तो रोमरिस के ब्लडलाइन में भी जिला फाटो जैसा खोकर आदमी होना चाहिए। अब दोस्तों दूसरा जो सुपरस्टार है जो कि रोमरिस के ओजी ब्लडलाइन में ऐड होने के लिए रूमर्ड है उसका नाम है हकोलियो, एके टाळालोगा। तो दोस्तों अब जैसा कि आपको मालूम है कि रिसेंटली ऐसी खबरें सामने आई थी कि हमारे टाळालोगा ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और दोस्तों टाळालोगा हल्का सुपरस्टार मत समझिए, क्योंकि टाळालोगा किसी जायंट से भी कम नहीं है। और दोस्तों टाळालोगा भी रोमरिस के ब्लडलाइन में ऐड होने के लिए काफी रूमर्ड सुपरस्टार है। वेल तो बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों, जिला फाटो और टाळालोगा हमारे रोमरिस के ब्लडलाइन के न्यू मेंबर्स होने चाहिए फिर नहीं, ये बात आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों सभी दोस्त मिलकर मुझे कमेंट जरूर करना, लेकिन अभी के लिए इतने काफी। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद, मैं अलविदा, मिलते कल विदा।